मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित वात्सल्य ग्राम में बने गोकुलम में रहने वाली एक किशोरी शुक्रवार की दोपहर नाराज होकर बाहर निकल आई। सड़क पर लावारिस अवस्था में घूम रही किशोरी की सूचना मिलने पर 100 डायल की पीआरवी वैन उसे कोतवाली लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने बच्ची के लगातार रोने पर उसे समाज सेविका लक्ष्मी गौतम के सुपुर्द कर दिया। रात को किशोरी से समाज सेविका ने वात्सल्य ग्राम से आने का कारण पूछा, लेकिन किशोरी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज सुबह किशोरी को लेकर डॉक्टर लक्ष्मी गौतम पुनः कोतवाली पहुंची, जहां संस्था के पदाधिकारियों ने गुस्साई किशोरी को काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन किशोरी ने वात्सल्य ग्राम स्थित गोकुलम में जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर किशोरी को महिला आरक्षी के साथ बाल कल्याण समिति भेज दिया। हम आपको बताते चलें कि मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित वात्सल्य ग्राम में गोकुलम वो स्थान है जहां अनाथ और कभी उस असहाय बच्चियों को काफी हद तक सुलभ सुविधाएं देकर शिक्षित कर उनके जीवन को कामयाब बनाने का प्रयास किया जाता है। उन्हीं में से एक है ये किशोरी, जिसका नाम है जानवी, जो कक्षा 6 की छात्रा है, जिसे सिर्फ इतना याद है कि इसे कई वर्ष पूर्व इसकी माँ यहाँ छोड़ गई, उसके बाद कभी उस माँ ने इसे पलट कर नहीं देखा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह हुई जो शुक्रवार को 12 वर्षीय किशोरी जानवी कंधे पर बैग लिए सारी सुख सुविधाओं से संपूर्ण गोकुलम से मुंह मोड़ कर बाहर चली आई। आखिर क्या वजह है जिस कारण से संस्था के पदाधिकारियों के बार बार समझाने के बाद भी किशोरी वापस गोकुलम जाने को तैयार नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि कोतवाली में बैठी किशोरी को समाज सेविका और संस्था के पदाधिकारी सांत्वना देकर मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किशोरी चुप्पी बांधे हुई है। आखिर उस चुप्पी के पीछे राज क्या है, ये शायद किशोरी ही जानती होगी। किशोरी कुछ कहने के बजाय सिर्फ और सिर्फ रोए जा रही है। क्या दर्द छुपा है इस किशोरी के आंसुओं में, जो ये अपनी जुबान से नहीं कह पा रही है। वजह चाहे जो भी हो, इतना तो पक्का है कि सिर्फ एक डांट से कोई भी इतना व्यथित और इतना आक्रोशित नहीं हो सकता। क्यों, नाम तो बताओ अपना, नाम क्या है, परेशानी क्या है आपको वात्सल्य ग्राम में? कोई परेशानी नहीं है। क्यों, फिर क्यों ना जाना चाहते? मदद करेंगे तुम्हारी। बताओ क्या बात है, बताओ वात्सल्य ग्राम जाओगे? ये आंटी लेके जा रही है, जाओगे बेटा? बताओ ना, जाओगे क्या? हम तो यही कह रहे हैं कि वहीं जाए लौट के, कम से कम नारी निकेतन में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा वहाँ, यदि फिर बाल कल्याण। इस संबंध में जब समाज सेविका लक्ष्मी गौतम से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि गोकुल में एक मौसी है जो उसे डांटती है और कभी कभार मारपीट भी कर देती है, लेकिन ऐसा तो माँ बाप भी कभी कभी अपने बच्चों के साथ कर देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि किशोरी वापस ना लौटे। इधर दूसरी ओर संस्था के पदाधिकारी भी कैमरे के सामने बिना कुछ कहे वापस चले गए, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को बाल कल्याण समिति के लिए रवाना कर दिया है। किशोरी के अचानक वात्सल्य ग्राम से इस तरह चले आने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। लड़की कौन है, क्या मामला है और आपके पास कैसे पहुँचा? देखिए, कल शाम को मेरे पास धोरेरा से किसी सज्जन का फोन आया था कि एक बच्ची जंगलात में घूम रही है और उसे मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ। मैंने कहा आप कोतवाली जाइए, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आधा घंटे तक कोई नहीं आया तो मैंने कॉल बैक किया तो बोले 100 नंबर की पुलिस आ गई है और वो उसे लेके कोतवाली जा रही है। तो 100 नंबर की पुलिस से भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा मैडम हम कोतवाल। मैं निश्चिंत हो गई। आधा घंटे बाद यहाँ से SSI महोदय हैं, उनका फ़ोन पहुँचा, बोले मैम एक बच्ची मिली है और उसे हम सेफ्टी, और वो कुछ बता नहीं पा रही, रो रही है, अपना नाम भी नहीं बता पा रही, हम आपके पास लेके आ रहे हैं, आप पूछिए। तो उन्हीं के सामने जब पुलिस वाले मेरे यहाँ लेके पहुँचे, लगभग आधा पौने घंटे बैठे रहे, तो इससे पूछा बात की तो इसने बताया मैं गोकुलम से हूँ। तो मैंने कहा गोकुल गाँव से? बोले नहीं, गोकुलम से। तो मुझे मालूम था कि वात्सल्य ग्राम में गोकुलम जगह है। तो इस बच्ची ने बताया कि मैं वहाँ से दोपहर को निकल गई थी। तो मैंने कहा क्यों निकली, इतना ख़राब माहौल है, तुम इतनी बड़ी हो, अभी कोई तुम्हारे साथ हादसा हो जाता तब क्या होता? तो इसने यही बताया कि मैं परेशान हूँ और वहाँ नहीं जाना चाहती। तो कारण बताती है कि अब क्या बताएं कि मुझे मारती, मौसी मारती है या मुझे डांटती है। तो मैंने इसको ये भी कहा कि माँ भी डांटती है, पापा भी डांटते हैं यदि हम अपने घर में होते हैं। और ये बताती है मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ की बेटी हूँ, मुझे इतना मालूम है कि मेरी माँ यहाँ छोड़ गई थी और मैं बहुत छोटी थी।
और तब से मुझे कोई ना मेरी माँ लेने आई ना मेरे पिता का भी नाम नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो हमारे यहाँ वात्सल ग्राम है और ऐसी अनाथ बच्चियों की वो बहुत मदद भी करते हैं, रखते भी हैं। अब उस किसी ने यदि से डांटा भी किसी गलती पर, उस गलती से बाहर निकल आई, पर अब ये बहरहाल हम कल मैंने पूरी रात इसे समझाने की कोशिश की। तो क्या वात्सल ग्राम का कोई यहाँ से लेने आया? नहीं, पूरी कोशिश की इसको कि ये लौट के जाए, क्योंकि और जगह कहाँ भेजेंगे। कानूनन मैं भी नहीं रख सकती, पर ये जाना नहीं चाहती। बहुत समझाया, काउंसलिंग की, सुबह वात्सल ग्राम से वहाँ के पदाधिकारी भी मेरे घर पहुँचे और मैंने उनके सामने भी इसको बहुत समझाया, पर ये किसी भी। क्या लगता है आपको, जो लड़की ये जो बच्ची है इतना नाराज है कि वहाँ जाना भी नहीं चाहती, कुछ बताना भी चाहती, क्या वजह लगती है? अब ये तो ये बच्ची ही बता पाएगी। मुझे जितना बताया वो यही बताया कि मुझे डांट लगती है, जैसे परसों कोई घटना होगी कि मेरे से घी फैल गया तो उस बात पर मुझे डांटा, बच्चे मुझे परेशान करते हैं, मुझे अनाथ कहते हैं, मुझे गरीब कहते हैं। तो बच्चों की बात तो चलिए छोड़िए, पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ ये किसी कीमत पर किसी भी सूरत में कहती मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इस खबर के प्रायोजक थे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICTE से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डी फार्मा कंप्यूटर इंजीनियरिंग 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश, 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट, कैंप ऑफिस कोसीखुर्द भरतपुर रोड मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 08979000125 07900001 26। तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मथुरा।